Dear students, welcome to Sharan's Biology and look at the second chapter of reproduction. Second chapter of reproduction in NCERT, that is reproduction in flowering plant. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे at first the most beautiful creation in universe, the flower. वैसे आप गुस्सा मत हो, आप भी कम सुंदर नहीं हैं, but I think being a biologist, this is most beautiful creation in the universe, the flower. Now the definition is, the flower is a modified shoot which is essentially meant for reproduction. आपने लिखा द फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. शूट हम लोग पढ़े थे, द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज स्टेम एंड लीव्स. तो फ्लावर क्या है एक्चुअली, वो शूट का ही मॉडिफिकेशन है. वही मैंने लिखा, द फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट विच इज एसेंशियली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन. और इस फ्लावर का निर्माण मुख्यतः होता है रिप्रोडक्शन के लिए, नए पौधों के निर्माण के लिए. एंड द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी. फ्लावर के अध्ययन को हम लोग कह देते हैं एंथोलॉजी. बट द स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, वैसे पौधे जो फ्लावर्स का निर्माण करते हैं, वैसे पौधों के अध्ययन को हम लोग कह देते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर. क्लियर. द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर. लिखेंगे स्मॉलेस्ट फ्लावर that is Ulfia microscopia. एक्वेटिक प्लांट है, आपने भी देखा होगा तालाब में जल में ऊपर रहते हैं छोटे छोटे, तो यही स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है. और लार्जेस्ट फ्लावर दैट इज रैप्लेसिया. अबाउट 1.5 मीटर इन डायमीटर रैप्लेसिया एंड 10 टू 12 किलोग्राम इन वेट. अब आ जाए पार्ट्स ऑफ फ्लावर. चूंकि यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझने के लिए आपको जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको डिटेल से पढ़ना आवश्यक है, उसका डेवलपमेंट. तो कहते हैं कि कोई भी फ्लावर है, सपोज कीजिए ये एक फ्लावर है, तो प्रत्येक फ्लावर में एक स्टॉक होता है. कोई भी फ्लावर है कि ये स्टॉक है, इस स्टॉक को हम लोग कह देते हैं पेडिसेल. आप कहें तो मैं छोटा सा ड्रा कर दूं फटाफट.
आपको आसानी होगी. दिस इज थैलेमस. And these are petals. Biology में figure आवश्यक है, जो ही काफी समझने के लिए काफी है. मेरे पास flower भी है. And this is calyx. This is calyx. This one, the female part, gynoecium, and these are androecium, the male reproductive organ of the flower. अभी सारा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं. ये फ्लावर का मेल पार्ट हो गया एंड्रोएशियम. क्लियर? दिस वन एंथर. सारा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं लेवल कर दूं. दिस इज गाइनोएशियम. This one, androecium. These are corolla, and this is thalamus, and this one calyx, and this one pedicel. Look at the figure. मैंने कहा क्या? कि ईच फ्लावर हैज ए स्टॉक. कोई भी फ्लावर है उसमें एक स्टॉक होता है. इस स्टॉक को हम लोग कह देते हैं पेडिसेल. और ये जो पेडिसेल है उसका एपिकल पोर्शन ब्रॉड एंड फ्लैटेंड होता है, चौड़ा तथा चपटा होता है. यह जो चौड़ा चपटा भाग है इसी को हम लोग कह देते हैं थैलमस. और इसी थैलमस से इस फ्लावर के सभी होल्स, अभी आते हैं कौन कौन होल, तो इसी थैलमस, यह जो ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट है थैलमस, इसी थैलमस से इस फ्लावर के अदर होल्स लगे रहते हैं. जेनरली प्रत्येक फ्लावर में चार होल्स होते हैं. नीचे आपको ये ग्रीन होल नज़र आ रहा है, देन ये वाइट नज़र आ रहे हैं, देन आपको ये रेडिश पिंक की तरह ये नज़र आ रहा है, और सबसे ऊपर देखिए एक वाइटिश अलग तरह का ये होल है. क्लियर? तो ईच फ्लावर हैज़ फोर होल्स. आउट ऑफ दिस लोअर टू होल्स, आपने कहा कि ये जो ग्रीन होल्स हैं ये दोनों, और ये जो ब्राइटली कलर्ड प्रायः रहते हैं विभिन्न फ्लावर में, आप देखो इसको देखो. दिस इज फ्लावर ऑफ रोएलिया. ये तो चाइना रोज है, जानते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, एंड द बोटेनिकल नेम इज रोएलिया. तो देखिए यहाँ भी एक पेडिसेल है, ये थैलमस है, ये कैलिक्स हो गया, ये कोरला हो गया. तो इसमें नीचे के ये जो दो होल्स हैं ये चूंकि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, ये जो दोनों होल्स हैं ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, इसलिए इन दोनों होल्स को हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव होल्स. ये जो दोनों होल्स हैं इसे हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव होल्स, या इसी को कह देते हैं एसेसरी होल्स. एसेसरी मीन सहायक. चूंकि ये जो पेटल्स हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में सहायता करते, रिप्रोडक्शन में सहायता करते, इसलिए इन दोनों होल्स को हम लोग कह देते हैं एसेसरी होल. जबकि ऊपर की ये जो दोनों होल्स हैं, गौर कीजिए, एक रेडिश आपको नज़र आ रहा है ये पिंक की तरह, और ये वाइट, ये देखिए अलग होल है एक वाइटिश. तो ये जो दोनों होल्स हैं ये दोनों होल को हम लोग कह देते हैं, चूँकि यही दोनों होल्स रिप्रोडक्शन में भाग लेता है इसलिए दोनों होल्स को हम लोग कह देते हैं रिप्रोडक्टिव होल्स, या इसी को कह देते हैं एसेंशियल होल्स. एसेंशियल मीन आवश्यक, चूंकि यही दोनों रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं. क्लियर? चूंकि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो फ्लावर में मुख्यतः यही दोनों होल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वैसे पहले शॉर्ट में हम चारों होल्स के बारे में आ जाते हैं. तो फर्स्ट आ जाइए कैलिक्स. फर्स्ट आ जाए हम लोग कैलिक्स.
कहते हैं कि किसी भी फ्लावर में फर्स्ट लिखो आप राइट डाउन कैलिक्स, तो कहते हैं कि किसी भी फ्लावर में सबसे नीचे पाया जाने वाला होल जो प्रायः ग्रीन होता है, कोई भी फ्लावर है, ये देखिए ये धतूरा का फ्लावर है तो ये भी देखिए ग्रीन है, क्लियर। तो इस पूरे होल को हम लोग कह देते हैं कैलिक्स, इस होल को हम लोग कह देंगे कैलिक्स। तो इस पूरे होल को तो कह देंगे कैलिक्स, इसमें गौर कीजिए कि बहुत सारे हैं, यदि इसमें से एक को अलग करें अर्थात इसके यूनिट को, इसकी इकाई को हम लोग कह देते हैं सेपल, इसके यूनिट को हम लोग कह देंगे क्या, सेपल, क्लियर। कि किसी भी फ्लावर में सबसे नीचे पाया जाने वाला होल जो प्रायः ग्रीन होता है इसे ही हम लोग कह देते हैं कैलिक्स, इस पूरे होल को कैलिक्स कह देंगे। बट इसमें से आप किसी एक को अलग करें अर्थात इसके यूनिट को, इसकी इकाई को, इसके यूनिट को कह देते हैं सेपल, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ पेटल, सेकंड लिखो कोरोला। किसी भी फ्लावर में कैलिक्स के ठीक ऊपर पाया जाने वाला होल जो प्रायः ब्राइटली कलर्ड होता है अदर देन ग्रीन इन कलर, कोई भी फ्लावर आप देखेंगे, अभी आपने रुएलिया देखा, ये चाइना रोज देखा, तो ये जो इसके ये कोरोला होते हैं दैट इज अदर देन ग्रीन इन कलर, क्लियर। तो किसी भी फ्लावर में कैलिक्स के ठीक ऊपर पाया जाने वाला होल जो प्रायः ब्राइटली कलर्ड होता है, इस पूरे होल को मिलाकर हम लोग कह देंगे कोरोला, इस पूरे होल को कह देंगे कोरोला। बट इसमें से एक को अलग करें अर्थात इसके यूनिट को, इसकी इकाई को कह देंगे पेटल, क्लियर। कि इस पूरे होल को कह देंगे कोरोला, लेकिन एक को अलग करें तो इसे हम लोग कह देते हैं इसके यूनिट को पेटल, इसके यूनिट को कह देंगे क्या, पेटल, क्लियर। अब आ जाइए थर्ड होल, दैट इज एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम। देखिए एंड्रोएशियम जो शब्द बना, एक लैटिन वर्ड है एंड्रोस, एंड्रोस मीन होता ही है क्या, मेल, एंड्रोस मीन मेल, उसी से डेराइव किया गया एंड्रोएशियम। तो कहते हैं कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोएशियम, ये जो आपको पिंक नजर आ रहा है दिस इज एंड्रोएशियम, इस पूरे होल को हम लोग कह देंगे एंड्रोएशियम। आप धतूरा में देखें दिस इज कैलिक्स, ये व्हाइट जो नजर आ रहा है दिस इज कोरोला, और ये देखिए ये आपका अंदर प्रेजेंट है एंड्रोएशियम, दिस वन इज एंड्रोएशियम, क्लियर है। यस, लुक एट दिस, दिस इज एंड्रोएशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोएशियम, इस पूरे होल को कह देंगे एंड्रोएशियम, लेकिन यदि इसमें से एक को अलग करें अर्थात इसके यूनिट को, इसकी इकाई को हम लोग कह देते हैं स्टैमेन, इसके यूनिट को हम लोग कह देंगे क्या, स्टैमेन, क्लियर। कि इस पूरे होल को हम लोग कह देंगे एंड्रोएशियम, लेकिन इसमें से एक को अलग करें तो इसे हम लोग कह देंगे स्टैमेन। फोर्थ होल आ जाइए, दैट इज गाइनोएशियम, गाइनोएशियम, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, पिस्टिल। कहते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, आपने तो देखा कि ये एंड्रोएशियम है, और यहाँ देखिए एक होल अलग तरह का है, दिस वन, दिस इज गाइनोएशियम, ये देखिए, सॉरी गिर गया, ये फ्लावर का फीमेल ऑर्गन है और यही है गाइनोएशियम। तो एक शब्द है एक्चुअली गाइनी, गाइनोएशियम डिराइव किया गया, एक शब्द है गाइनी, गाइनी मीन फीमेल, उसी से डिराइव किया गया गाइनोएशियम।
तो कहते हैं कि किसी भी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाइना रोज में आप देखें, ये चाइना रोज में ऊपर व्हाइट जो नजर आ रहा है आपको, व्हाइटिश, दिस इज गाइनोएशियम। तो इस पूरे होल को कह देते हैं गाइनोएशियम, बट इसके यूनिट को, इसके इकाई को कह देते हैं हम लोग क्या, कार्पेल। इसके यूनिट को हम लोग कह देंगे कार्पेल। क्लियर, ये फोर होल्स हो गए फ्लावर के, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंडोएशियम एंड गाइनोएशियम। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में आपने कहा कि भाग लेता है दो ही होल, दैट इज एंडोएशियम एंड गाइनोएशियम। तो हम लोग इसी दोनों होल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या स्ट्रक्चर है, कैसे रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर का शेष जो स्ट्रक्चर है वो आप 11 में पढ़ चुके हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोएशियम, गाइनोएशियम सारा पढ़ चुके हैं हम लोग 11 में। तो पुनः हम लोग लौटेंगे एंडोएशियम एंड गाइनोएशियम पर डिटेल से, बट उससे पहले सम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, कुछ पारिभाषिक शब्द है, सम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, कुछ पारिभाषिक शब्द हैं फ्लावर से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग। पहले आ जाओ, फर्स्ट कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑल द फोर होल्स। आपने कहा कि फ्लावर में फोर होल्स होते हैं, ये नीचे आपने कहा कि ये कैलिक्स है ग्रीन, दिस वन कोरोला जो ब्राइटली कलर्ड है, ये एंडोएशियम है और ऊपर गाइनोएशियम है। तो यदि किसी फ्लावर में उसके चारों होल्स, चारों चक्र उपस्थित हों, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कह देंगे क्या, कंप्लीट फ्लावर। यहाँ देख रहे हैं कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोएशियम एंड गाइनोएशियम, ये चारों होल प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कह देंगे कंप्लीट फ्लावर। नेक्स्ट आ जाओ, इनकम्प्लीट फ्लावर, कहते हैं कि इफ वन और मोर होल्स ऑफ द फ्लावर इज एब्सेंट, हो सकता है किसी फ्लावर में कैलिक्स ना हो या कोरोला ना हो, या अक्सर ये मोनोकॉट्स में होते हैं, या एंडोएशियम गाइनोएशियम में दोनों में कोई एक ही हो। क्लियर, तो यदि किसी फ्लावर में एक अथवा एक से अधिक होल्स एब्सेंट होते हैं, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कह देंगे क्या, इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट आ जाओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, पिछले क्लास में भी पढ़े थे हम लोग, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, बाय मीन टू, नाम से ही पता चलता है कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोएशियम एंड गाइनोएशियम इन ए फ्लावर। आपने कहा कि यह जो मेल ऑर्गन है इसे एंडोएशियम कहा, जो फीमेल ऑर्गन है इसे आपने कहा गाइनोएशियम। तो यदि किसी फ्लावर में ये एंड्रोएशियम मेल ऑर्गन एंड दिस वन गाइनोएशियम, ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कह देंगे क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैलिक्स कोरोला रहे ना रहे, उससे इस डेफिनेशन को कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी फ्लावर में देख रहे हैं कि एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसे हम लोग कह देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए आप, फोर्थ वन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या इसी को हम लोग कह देते हैं डाइक्लाइनस फ्लावर। When there is presence of either androecium or gynoecium, यदि androecium gynoecium में से कोई एक ही होल उपस्थित हो, आपने कहा कि androecium gynoecium है bisexual हो गया, but इन दोनों में कोई एक ही होल present हो, तो ऐसे flower को हम लोग कह देंगे unisexual flower। अब आप कह रहे हैं कि इसमें either uni mean होता ही है one, तो
इसमें या तो एंड्रोएशियम होगा या गाइनोएशियम होगा, देन देयर आर टू कंडीशंस इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक को हम लोग कह देते हैं मेल फ्लावर या उसी को हम लोग कह देते हैं क्या स्टैमिनेट फ्लावर। कहते हैं कि इफ एंड्रोएशियम इज प्रेजेंट, आपने कहा द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोएशियम, तो यदि एंड्रोएशियम प्रेजेंट हो और गाइनोएशियम एब्सेंट हो तो वैसे फ्लावर को हम लोग कह देते हैं क्या मेल फ्लावर। याद कीजिए एंड्रोएशियम का यूनिट था स्टैमेन, तो उसी से डेराइव किया गया स्टैमिनेट फ्लावर। क्लियर कि व्हेन एंड्रोएशियम इज प्रेजेंट एंड गाइनोएशियम इज एब्सेंट इन ए फ्लावर इट इज कॉल्ड मेल फ्लावर और स्टैमिनेट फ्लावर। सेकेंड वन समझ रहे हैं आप, दैट इज फीमेल फ्लावर या उसी को हम लोग कह देते हैं क्या पिस्टिलेट फ्लावर। कहते हैं व्हेन गाइनोएशियम इज प्रेजेंट, फीमेल ऑर्गन है गाइनोएशियम आपने पढ़ा, तो इफ गाइनोएशियम इज प्रेजेंट एंड एंड्रोएशियम इज एब्सेंट इन ए फ्लावर इट इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर या इसी को कह देते हैं। याद कीजिए गाइनोएशियम का दूसरा नाम था पिस्टिल, उसी को हम लोग कह देते हैं क्या पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देयर आर टू कंडीशंस आइदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट आ जाइए न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर When both androecium and gynoecium are absent in a flower, यदि किसी फ्लावर में androecium and gynoecium ये दोनों ही absent हों तो वैसे फ्लावर को हम लोग कह देते हैं क्या न्यूट्रल फ्लावर। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि androecium and gynoecium दोनों ही absent है अर्थात ऐसा फ्लावर रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा, जैसा कि 11 में आप पढ़े हैं ये मिलेगा लाइक रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने देखा है सूर्यमुखी या कॉस्मोस जीनिया उसी फैमिली के हैं, उसमें आपको सनफ्लावर में जो पेरिफेरी में ब्राइटली कलर्ड जो आपको पेटल्स लाइक दिखता है दोज आर नॉट पेटल्स, दोज आर मेनी फ्लावर्स, इच पेटल रिप्रेजेंट ए फ्लावर। तो वो जो ब्राइटली कलर्ड जो फ्लोरेट्स हैं चारों ओर इनफ्लोरेसेंस में पड़े थे हम लोग, तो उसे हम लोग कह देते हैं रे फ्लोरेट। उसमें ना तो एंड्रोएशियम होता है और ना ही गाइनोएशियम होता है, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कह देते हैं क्या न्यूट्रल फ्लावर। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ आप फ्लावर से संबंधित कुछ पौधे की परिभाषा है दैट इज मोनोएसियस प्लांट। इंपॉर्टेंट है ये, अटेंशन प्लीज। मोनो मीन वन, ओकायोस एक शब्द है, ओकायोस मीन होता है हाउस, उसी से शब्द बना इकोलॉजी। क्लियर, तो कहते हैं कि यदि मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों सेम प्लांट पर उपस्थित हों, मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है दोनों सेपरेट है बट दे अराइज ऑन सिंगल प्लांट, सच प्लांट इज कॉल्ड मोनोएसियस प्लांट। जैसे आपने कभी मेज प्लांट देखा होगा, आपने कभी मेज प्लांट देखा होगा, मेज प्लांट में गौर कीजिए कि ऊपर कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, ऊपर इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, दोज आर मेल फ्लावर्स, दीज आर मेल फ्लावर्स, और नीचे कॉप ऑफ मेज, उसी पौधे में जिसको हम लोग मकई कहते भुट्टा कॉर्ड, तो प्लांट तो एक ही है, इस पर मेल फ्लावर्स भी उत्पन्न हो रहे हैं और फीमेल फ्लावर्स भी उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग कह देते हैं मोनोएसियस प्लांट। लाइक हमारे घरों में होता है कुकुरबिटा, कहीं देखा होगा आपने वो क्लाइंबर, ये पंपकिन कद्दू लफ्फा, इनमें क्या होता है कि वो तो पौधा एक ही रहता है, उस पर कुछ मेल फ्लावर्स भी निकलते हैं
जो फ्रूट का निर्माण नहीं करता, और उसी लतर में, उसी जो है प्लांट में फीमेल फीमेल फ्लावर निकलता है, नीचे आपको ओवरी नज़र आता है जो आप कहते हैं ये फलेगा। तो प्लांट तो एक ही है, उस पर मेल फ्लावर्स भी निकल रहे हैं और फीमेल फ्लावर्स भी निकल रहे हैं, दोनों ही एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग कह देते हैं मोनोएसियस प्लांट। क्लियर? एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे लाइक मेज, कुकुरबीटा, खीरा ककड़ी तो जानते हैं आप, कुकुम्बर उसका बोटेनिकल नेम, लाइक इवन कास्टर, रिसिनस बोटेनिकल नेम होता है। कास्टर में भी प्लांट तो एक ही होता है, उस पर ऊपर मेल फ्लावर्स निकलते हैं, नीचे फीमेल फ्लावर्स निकलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 7, डायोएसियस प्लांट। समझ रहे हैं, डायमिन टू नाम से ही पता चलता है, डायमिन टू ओकायस एक टर्म है, ओकायस मीन होता है हाउस, उसी से इकोलॉजी डिराइव किया गया, मैंने बताया। तो दो घर, क्लियर है कि यदि मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स दो सेपरेट प्लांट्स पे उत्पन्न हो रहे हों, एक प्लांट पर यदि मेल फ्लावर्स हैं तो सारे के सारे फ्लावर्स मेल होंगे, दूसरे पर यदि फीमेल फ्लावर्स हैं तो सारे के सारे फ्लावर्स फीमेल होंगे। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कह देते हैं क्या, डायसियस प्लांट। जैसे पपाया, पपीता का पौधा देखा होगा आपने, पपाया में एक प्लांट आप कहते हैं कि ये नहीं फलेगा बिकॉज इट इज मेल प्लांट, वहाँ तो सिर्फ मेल फ्लावर्स ही निकलते हैं तो फ्रूट का निर्माण होगा नहीं। दूसरा जो फीमेल प्लांट है उस पर फीमेल फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट का निर्माण होता है। लाइक आपके क्षेत्रों में होता है पाम, तार, आप लिख सकते हैं पपाया, पाम, इन सबों में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। नेक्स्ट आ जाइए आप मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोमिन वन, कार्पॉस एक शब्द है, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग फ्रूट में, कार्पॉस मीन होता है फ्रूट, फ्रूट में भी ये टर्म आएगा। तो वैसे प्लांट जो अपने संपूर्ण लाइफ पीरियड में केवल एक ही बार फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का निर्माण करता है, तो उस प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे हमेशा आप याद रखिएगा बम्बू, कई बार ये पूछा गया है कंपटीशन में, बम्बू जो है वो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, परंतु उसके संपूर्ण लाइफ पीरियड में केवल एक ही बार फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का निर्माण होता है। यह हमारे घरों में होता है बनाना, बनाना केवल एक ही बार फ्रूट का निर्माण करता है और देन वो डेड हो जाता है। क्लियर? इवन पैडी, वीट, धान, गेहूं लें तो वो एक ही बार, धान गेहूं हम लोग बोते हैं लगाते हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स का निर्माण करता है और फिर डेड हो जाता है। तो वैसे प्लांट को हम लोग कह देते हैं क्या, मोनोकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट आ जाओ पॉलीकार्पिक प्लांट, समझी रहे, पॉलीमिन मेनी, कार्पासमिन फ्रूट, नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे पौधे जो अपने संपूर्ण लाइफ पीरियड में एक से अधिक बार फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का निर्माण करते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग कह देंगे पॉलीकार्पिक प्लांट। क्लियर? ये कुछ डेफिनेशंस थे जिनका रेफरेंस आगे आएगा, आपको जानना जरूरी है, और इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं एंड्रोएसियम, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो एंड्रोएसियम गायनोएसियम का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ेंगे, तभी फिर रिप्रोडक्शन हम लोग समझ पाएंगे, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मैंने
बार बार मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स का जो पेज है, मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दिया हुआ है, जो भी यहाँ पढ़ाई हो रही है उसका एनसीईआरटी का पेज भी वहाँ दिया है, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, या और भी दूसरी बुक हैं आपके पास कम्पिटिटिव बुक तो उससे आप रेफरेंस ले लें, ओके। और काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरा का पूरा बायोलॉजी मैं अभी इसको कंटिन्यूस देता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।